हाय स्टूडेंट्स, मैं पंकज पांडे, मेन कैट प्लेसमेंट सेल से। मेन कैट प्लेसमेंट सेल से आज आप लोगों के बीच में मैं एक अच्छा सा, एक नया सा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि अगर एमसीए, बीटेक, बीई, एमटेक, एमई का कोई स्टूडेंट है तो उसको कहाँ और कैसे प्लेसमेंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है आजकल प्लेसमेंट के लिए बच्चों का परेशान होना। तो अगर आप एमसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं या एमई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग प्लेसमेंट कैसे पाएंगे, सबसे बड़ी बात है आज का यही मेरा टॉपिक है कि इनको प्लेसमेंट आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में कैसे मिलेगा। एमएनसी की बात हम करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज की, जिसमें बीटेक के सभी ब्रांच, चाहे वो सीएस के हों, चाहे वो आईटी के हों, चाहे सिविल के हों, चाहे मैकेनिकल के, चाहे इलेक्ट्रिकल के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से, और सेम एमटेक के भी सभी ब्रांच, एमई के भी सभी ब्रांच, बीई के भी सभी ब्रांच, चाहे आप जिस भी ब्रांच से हैं, आप सबको आप कैंपस प्लेसमेंट में सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितना कि सीएस और आईटी वालों को मिलता है। अगर एक सीएस और आईटी का बंदा जिस भी कंपनी में एलिजिबल है तो उस कंपनी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से सारे ब्रांच एलिजिबल होंगे ही होंगे। आज मैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स से, किसी भी ब्रांच से हैं तो कैसे प्लेसमेंट पाएंगे। मैं बात करूंगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मीन कैट फैजाबाद अयोध्या यूपी का ऐसा प्लेसमेंट सेल है जिसमें किसी भी एमएनसीजी के लिए एमकेट इलिटमस के साथ उसका प्लेसमेंट प्रिपरेशन कराया जाता है, और उसके प्लेसमेंट प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सी, सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर पर टेक्निकल और फुल कोडिंग के साथ सर्टिफाइड किया जाता है 5 मंथ के कोर्स के साथ। तो आज हम बताते हैं, ऑफ कैंपस की बात करते हैं। ऑफ कैंपस में उन्हीं बच्चों के लिए है जो एमसीए से हो, बीटेक के सभी ब्रांच, बीई के सभी ब्रांच, एमटेक और एमई से हो, एमएससी के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनी में। इस चीज को एमएससी वाले ध्यान से देखेंगे और सभी ब्रांच को देखना है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है, कब होता है, कौन से बच्चे बैठ सकते हैं, मैं बताता हूं। सबसे पहले बात आती है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट 2018 से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी मास कंपनी टीसीएस और विप्रो ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ओवरऑल इंडिया लेवल में रिक्रूट करना शुरू कर दिया। यानी अगर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जहां पर कंपनियां आती हैं, चाहे उस कॉलेज के हों, चाहे उस यूनिवर्सिटी हों, या उस यूनिवर्सिटी से हों जहां पर प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी नहीं आती है, तो वो भी स्टूडेंट अब इन कंपनियों में फॉर्म अप्लाई करके प्लेसमेंट पा सकते हैं। कैसे प्रोसेस होगा आइए देखते हैं। ऑफ कैंपस की हम बात करते हैं। ऑन कैंपस तो कॉलेज में जिसके कंपनियां जाती हैं वो जाने, जिस कॉलेज में नहीं जाती हैं कंपनियां, जहां ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, मैंने बात किया, वहां ऑफ कैंपस ही बच्चे देखते हैं। तो ऑफ कैंपस में सबसे पहली कंपनी तुम्हें टीसीएस एनक्यूटी टीसीएस मिलती है। TCS जिसके एग्जाम का नाम है NQT, नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट। सेकंड है विप्रो, इलाइट नेशनल टैलेंट हंट। और आपको मिलती है CTS, टेक महिंद्रा, IBM, कैपजॉमनी, एसेंचर, और एमकेट एग्जाम के थ्रू अप्रोक्सीमेट 1000+ कंपनियां। अगर आप इन जगह पे नहीं होते हैं तो आप एमकेट के थ्रू भी प्लेसमेंट पा सकते हैं, बट सबसे बेहतर होगा आप टीसीएस और विप्रो के बारे में देखें और इसमें प्लेसमेंट पाएं। अगर आप टीसीएस या विप्रो को चाहते हैं या सीटीएस या किसी भी मास कंपनी को चाहते हैं तो सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट कब होगा, इन कंपनियों का फॉर्म आता है, कब आता है, आप कब एलिजिबल हैं इनके फॉर्म को फिल करने के लिए, ये ध्यान से सुन लें। अगर आप बीटेक या बीई से हैं तो आप इसके फॉर्म को 7th सेमेस्टर से फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप एमसीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमई कर रहे हैं, 2 ईयर कोर्स वाले,
थर्ड सेमेस्टर से इनमें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आपको एमटेक कंप्लीट होने के बाद अगर आपका ईयर बैच खत्म हो जाता है तो आपको कंपनियों के चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए आपको टीसीएस अप्रोक्सीमेट 3 बार चांस देती है, यानी एक 6-7 सेमेस्टर में, एक 8 सेमेस्टर में, एक 8 सेमेस्टर के बाद। विप्रो भी 2 से 3 बार देती है और अप्रोक्सीमेटली 2 ही बार ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करती है, कभी कभी 3 कर देती है। सीटीएस भी, टेक महिंद्रा भी, आईबीएम भी, ये सब भी 2 या 3 बार ही चांस देती हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट पाने के लिए। तो क्या होता है, इनका फॉर्म आता है, टीसीएस एनक्यूटी नाम से अपना फॉर्म डालता है, फॉर्म अपनी वेबसाइट पर डालता है, बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिल करते हैं। विप्रो भी इलाइट नेशनल टैलेंट हंट नाम से अपने फॉर्म को, अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव को अपनी ही वेबसाइट पर डालता है, बच्चे इसका भी फॉर्म फिल करते हैं, ऐसे सारी कंपनियों का करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एग्जाम के 24 आवर्स पहले आपका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड आता है, और एग्जाम के दिन जब जाते हैं तो उस हॉल टिकट में कहाँ जाना है, कब टेस्ट है, कब डेट है, सब कुछ दिया रहता है। और आपके नियर बाई सेंटर है, ओवरऑल इंडिया में एग्जाम होता है, नियर बाई सेंटर पर आपको जाना होगा। तो आपका पहला एग्जाम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे ऑनलाइन टेस्ट बोलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट ध्यान से सुनना, जो इसमें होता है वही सब में होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका क्या आता है, वर्बल इंग्लिश आता है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आता है, एक दो उसमें से रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग एमसीक्यू आता है। प्रोग्रामिंग एमसीक्यू में क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग से होता है, कभी कभी डीएस से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और सी प्लस प्लस से भी 10% क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, बट 70% क्वेश्चन आपके सी प्रोग्रामिंग से होते हैं। अगर आपका ये राउंड क्लियर होता है तो यहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन राउंड होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन मैंने बीसीए के वीडियो में बताया है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में 20 मिनट का टाइम मिलता है, आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 मिनट में कोई किसी एक टॉपिक पर, इंग्लिश का टॉपिक होगा, एसे की तरह आपको मैक्सिमम 200 वर्ड 20 मिनट में राइट करना होता है, लिखना होगा। आपका ये राउंड भी फिनिश होने के बाद आपका कोडिंग राउंड होता है, जो कि बीसीए और बीएससी स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, एमसीए, बीटेक, बी, एमटेक, एमई और एमएससी स्टूडेंट के लिए कोडिंग राउंड किया गया है। कोडिंग राउंड थोड़ा सा टफ राउंड होता है। तो इसमें क्या होता है, टीसीएस 20 मिनट टाइम देता है कोडिंग राउंड के लिए, एक क्वेश्चन कोड करने के लिए आता है, वो क्वेश्चन मीडियम लेवल का होता है। 20 मिनट में आपको उस क्वेश्चन को कोड करके सबमिट करना होता है। आप सारे राउंड जब फिनिश कर लेते हैं, फिनिश करने के बाद जब एग्जाम से घर वापस आ जाते हैं तो एग्जाम के 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आपकी ईमेल आईडी पर टीसीएस प्रोवाइड करता है। अगर इस एग्जाम को आप क्लियर किए हुए होते हैं, क्लियर हुआ होता है, तो आपको टेक्निकल और एचआर राउंड के लिए बुलाया जाता है। टेक्निकल राउंड में फिर से वही क्वेश्चन सी से, डीएस से, कोडिंग से और कुछ कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पूछा जाता है, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर। टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड में आपके अबाउट पूछकर अगर इस राउंड को आप क्लियर करते हैं तो आपको टीसीएस में इंजीनियर बना दिया जाता है। टीसीएस में डिपेंड करता है किस ब्रांच से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनिंग एनालिस्ट, सिस्टम इंजीनियर, बहुत सारे पोस्ट टीसीएस प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि कोडिंग के लिए एक चीज और बता देते हैं, कोडिंग में आपके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, चाहे आप एक प्रोग्राम की कोडिंग, उस एक प्रोग्राम की कोडिंग सी से करें, चाहे सी प्लस प्लस का यूज करें, चाहे जावा का यूज करें, चाहे पैथॉन का यूज करें, किसी एक लैंग्वेज का यूज करके कोडिंग कर सकते हैं। सेम विप्रो की बात आती है तो विप्रो में भी एप्टीट्यूड टेस्ट का जो ड्राइव होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट सेम आता है। विप्रो में भी जो टीसीएस में पूछा जाता है वही आता है, वर्बल इंग्लिश, मैथ, प्रोग्रामिंग का एमसीक्यू, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें 10 10 तो इसमें 25 20 करके पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जस्ट डबल होते हैं, टाइम भी
ज्यादा होता है विप्रो में, और फर्क होता है कोडिंग राउंड में। यहाँ पर एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन 20 मिनट, बट विप्रो में टू प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको टाइम 60 मिनट का मिलता है, जिसमें से एक प्रोग्राम मीडियम लेवल का होता है, दूसरा प्रोग्राम थोड़ा सा हाई लेवल का माना जाता है। तो आप इन दोनों प्रोग्राम की कोडिंग में 60 मिनट का टाइम पाते हैं, 60 मिनट में इन्हें कोड करना होता है। अगर आपका फिर से ये कोडिंग राउंड तक क्लियर होता है, तो फिर आप विप्रो आपको टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर के लिए बुलाती है। सेम यही प्रोसेस टीसीटीएस के लिए है, टेक महिंद्रा के लिए है, आईबीएम के लिए है, कैपजॉमनी के लिए, एसेंचर के लिए, आर्सियंट के लिए, जितनी भी कंपनीज हैं सबके लिए यही प्रोसेस होता है। अगर आप इन कंपनियों में, आपको अप्रोक्सीमेट तीन तीन चांस मिलते हैं, कभी कभी दो भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो तीन तीन चांस में आप इसमें आसानी से प्लेस्ड हो सकते हैं। अगर इसमें प्लेस्ड नहीं होते हैं तो एमकेट एग्जाम दे सकते हैं। एमकेट एग्जाम का भी सिलेबस सेम होता है। एमकेट एग्जाम देने के बाद एमकेट में आपका जो भी परसेंटाइल आता है, उसके परसेंटाइल को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां 1000+ कंपनियां एमकेट पर रिक्रूटमेंट करती हैं। आप इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं, जबकि एमकेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखना, टीसीएस और विप्रो में अप्लाई कौन बंदा कर सकता है, यही जरूरी नहीं कि आप एमसीए, बीटेक, बी, एमटेक या एमई कर लिए तो अप्लाई कर दिए। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि इन कंपनियों में अप्लाई करने के लिए आपका 10th, आपका 12th एंड आपका यूजी, चाहे वो बीई हो चाहे बीटेक हो, आपका पीजी, चाहे वो एमटेक हो एमई हो, सब में आपका 60%+ मार्क्स होना चाहिए। अगर किसी एक में 60% से लेस मार्क्स है तो आप इन कंपनियों में एलिजिबल नहीं होते हैं। और आज तक हमारा इस वीडियो का यही रहा, और हम आपको बताएंगे कि 60% से लेस वाले जो बंदे होते हैं, उन्हें एमकेट के थ्रू ही कंपनियां मिलती हैं, कंपनियों में प्लेसमेंट मिल सकता है। तो आप अगर टीसीएस, एनक्यूटी और विप्रो इलाइट नेशनल टैलेंट हंट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मीनकेट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मीनकेट ज्वाइन वही बंदा, वही स्टूडेंट कर सकता है जिसकी एलिजिबिलिटी ओवरऑल 60% हो। अगर आपका 60% है, तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप 6 सेमेस्टर से, बीई कर रहे हैं तो आप 6 सेमेस्टर से मीनकेट ज्वाइन करें। अगर आप एमसीए या एमटेक या एमई या एमएससी कर रहे हैं, तो आप प्लेसमेंट की तैयारी के लिए मीनकेट 2nd सेमेस्टर से ज्वाइन करें, जिससे कि जब तक ड्राइव आए कोर्स हमारा पूरा फिनिश हो सके और आप लोग आसानी से प्लेसमेंट पा सके। हमारे वीडियो में आज तक यही रहा। आज के लिए इस वीडियो में हमने इन स्टूडेंट्स के बारे में बताया, और अगर आपको ये चीज पसंद आया हो, आपको अच्छी लगी हो, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, उन्हें भी प्लेसमेंट के अबाउट बताएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।